दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते पूरे संसार का क्रिकेट बंद है, वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई लगातार क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट को पोस्टपोन कर रही है। और जैसे जैसे भारत में लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट को पोस्टपोन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब उस तारीख का ऐलान हो चुका है जिस तारीख को आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट के ऊपर अंतिम फैसला लिया जाना है। और साथ ही साथ यहां पर आईपीएल 2020 को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी निकल कर आ रही है। इस पूरी खबर के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द ही आईपीएल 2020 की शुरुआत हो जाए तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस की वजह से भारत के हालात लगातार बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। भारत में अभी तक कोविड 19 के 35,000 से ज्यादा केसेज आ चुके हैं और 1,150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे में फिलहाल भारत के हालात बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। तो जैसे जैसे भारत में लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट को पोस्टपोन किया जा रहा है। 16 अप्रैल को बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को फर्दर नोटिस तक सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब IPL 2020 को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अभी कुछ टाइम पहले ICC की एक मीटिंग हुई थी जहां पर ICC ने BCCI पर ऐसा विश्वास जताया था कि COVID-19 के इस प्रकोप के बीच में क्रिकेट की दोबारा से शुरुआत BCCI ही कर सकता है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही थी कि BCCI IPL 2020 को 15 मई से क्लोज डोर स्टेडियम्स में चालू कराने के बारे में विचार कर रही है। तो ऐसे में यहां पर 3 मई को IPL गवर्निंग काउंसिल और IPL 2020 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीमों के मालिकों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग होने वाली है, जहां पर आईपीएल 2020 के ऊपर अंतिम फैसला और कड़ा फैसला में देखने को मिल सकता है। अब यह भी हो सकता है कि आईपीएल 2020 को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। लेकिन अगर पूरी तरह से रद्द किया जाता तो यहां पर बीसीसीआई के साथ साथ पूरे विश्व के सभी क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा नुकसान इससे होने वाला है, क्योंकि काफी देशों के खिलाड़ी यहां पर आईपीएल में खेलते हैं, काफी खिलाड़ियों की सैलरी यहां से निकलती है, जिसके चलते खिलाड़ियों को भी काफी नुकसान होगा, बीसीसीआई को भी 10,000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में यह कड़ा डिसीजन लेना बीसीसीआई के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जल्द ही आईपीएल 2020 की शुरुआत क्लोज डोर स्टेडियम्स में बिना ऑडियंस के होने वाली है। 15 मई अभी तक एक्सपेक्टेड डेट आ रही है। खैर मेन खबर तो यही थी कि 3 मई को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और आईपीएल 2020 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीमों के मालिकों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हो जाएगी, जिसके बाद हमें आईपीएल 2020 के ऊपर अंतिम फैसला देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आईपीएल 2020 की होस्टिंग के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।